अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं शेयर करने लगी हूँ आपके साथ अपने समर ड्रेस कलेक्शन, और इसके साथ साथ समर ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ हैं, आप इसको विंटर में भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं इस ड्रेस से शुरू करूँगी। मैंने आपके साथ पहले भी शो किया हुआ, लेकिन डिटेल में मैं आपके साथ इसकी डिज़ाइनिंग शो करती हूँ आज। तो ये था जी ड्रेस बनारस सतरंगी का, और इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग हुई हुई है। मैंने इसको स्टिच्ड बाय किया था, इस तरह से सीरीज लेस के साथ बाजू पे डिज़ाइनिंग दी हुई, और ये ओपन शर्ट है, और फ्रंट जो है ना इस तरह से ओपन दी गई है बटन्स के साथ। और इस तरह से एक साइड पे इसमें वर्टिकल लाइंस दी गई हैं, एक साइड पे हॉरिजॉन्टल लाइंस दी गई हैं, जैसे आजकल का डिज़ाइन चल रहा है। और बहुत सॉफ्ट सा ये समर का ड्रेस है, और इसके साथ है इसका मैचिंग ट्राउज़र था। क्वाड सेट्स हैं जिस तरह से आजकल चल रहे हैं, उस तरह का ये सेट है। और जो बैक पे है उसकी इस तरह से स्ट्रेट लाइंस दी गई हैं, बाजू के साथ इसकी बड़ी अच्छी डिज़ाइनिंग बनाई हुई है। तो सिंपल से ड्रेस को आप बड़ी एलिगेंट सी लुक दे सकते हैं। और फ्रंट ओपन शर्ट्स की आजकल थोड़ा सा ट्रेंड चल रहा है, तो ये आप आराम से घर में बना सकते हैं अगर आपको स्टिचिंग आती है तो। बहुत इजी डिज़ाइन है ये। उसके साथ ट्राउज़र भी इसी तरह से डिज़ाइनिंग में दिया हुआ है, और इस तरह से लेस के साथ जो है ना जो बॉर्डर है उसके साथ ट्राउज़र को भी दिया गया है बॉर्डर, जिस तरह से स्लीव्स में दिया गया है, और जो बाकी ट्राउज़र है वो वर्टिकल लाइंस के साथ है। बहुत प्यारा सा इसका सैप ग्रीन सा कलर है, और थोड़ा सा लाइट आ रहा है इसमें। कुछ ड्रेसेस मैंने वेयर करके भी आपके साथ शो किए हैं, और ये है ड्रेस की कंप्लीट लुक। इसके साथ मैंने टू टोन का दुपट्टा लगा कराया था, ग्रीन और ग्रे कलर का, और यही दो कलर शर्ट में भी थे। बहुत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ये है, लॉन है, बहुत पतली सी, और समर के लिए बहुत फ्रेंडली है, और बहुत प्यारा सा ये ड्रेस था। उसके बाद ड्रेस नंबर टू पे आते हैं। इसकी डिज़ाइनिंग मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ। और ये ड्रेस जो था, शर्ट बेसिकली मैंने खुद स्टिच की थी, इस तरह से मैंने इसका नेक लाइन बनाया है थोड़ा सा वी स्टाइल के साथ, और इसके ऊपर सारा मैंने जो उसकी पट्टी लगाते हैं उसके साथ डिज़ाइनिंग की है। थोड़ी सी मैंने इसकी फ्रंट जो चुंड थी उसके ऊपर लेस दी है, फ्रंट जो है ना इसके ऊपर फ्रंट और बैक दोनों पे चुंड के साथ, जैसे हम फ्रॉक बनाते हैं उस तरह से इसकी बनी हुई थी बॉडी, और उसको मैंने उसके साथ स्टिच किया था। हाई लो ये शर्ट है, और मैंने जो चुंड थी उसके ऊपर लेस दी है, और इस तरह से जो है ना इसके स्लीव्स हैं लूज स्टाइल में, और इसकी सारी डिज़ाइनिंग मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। इस तरह से जो है ना इसके मैंने थ्री क्वार्टर स्लीव्स रखे थे, क्योंकि समर्स में ऐसे भी काम वगैरह करने के लिए किचन में बाजू आप पीछे ही कर लेते हैं, तो इसलिए मैं समर्स में मोस्टली जो है ना थ्री क्वार्टर ही वेयर करती हूँ। और इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों पे चुन स्टाइल के साथ, लेकिन यह है ये शर्ट है, फ्रंट शॉर्ट है, और इसका बैक लॉन्ग लेंथ वाली, और ये शर्ट जो है ना मैंने खुद स्टिच की थी। बहुत इजी सा ये डिज़ाइन है, मैंने भी यूट्यूब से देख के इसको स्टिच किया है, और बहुत इजीली आप इसको स्टिच कर सकते हैं। इसके साथ मैंने जो इसका बेसिक कलर था इसकी बेस का फिरोजी कलर सी ग्रीन सा, उस कलर का मैंने दुपट्टा डाई करा दिया था, तो ये मेरा एक ड्रेस कंप्लीट हो गया था। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट शर्ट है ये बेसिकली एथनिक की शर्ट है, लेकिन बहुत ही सिंपल वे में इसको स्टिच किया हुआ है, और ये बहुत इजी है, अगर किसी को स्टिचिंग आती है तो आराम से बना सकते हैं। इस तरह से इसकी स्लीव्स बनी हुई हैं, और कुर्ता स्टाइल में ये शर्ट है। स्टाइल इस कैसे दिया हुआ है, जैसे ये फ्रंट ओपन स्टाइल का है, लेकिन ये फ्रंट ओपन नहीं है। इस तरह से नेक लाइन पर थोड़े बटन्स लगे हुए हैं, राउंड शेप में इसकी शर्ट दी गई है, और बाजू के साथ पट्टी लगा के उसको फोल्ड किया हुआ है। उसके साथ में ये है चिकनकारी ट्राउज़र था मेरा, और ये चिकनकारी ट्राउज़र था भी था एथनिक का, और चिकनकारी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, और ट्राउज़र ही मुझे बहुत पसंद आया था। और इसके साथ इस तरह से जो बॉटम है उसके ऊपर फ्रिल वाली लेस दी गई है ब्रीफ सी, और बहुत ही प्यारा सा इसका डिज़ाइन है, पेन ट्राउज़र टाइप का ये बना हुआ है, और आप आराम से इसके साथ कॉर्ड बना सकते हैं। तो जो दूसरा ड्रेस था उसकी लुक कुछ इस तरह की है, बहुत ही कंफर्टेबल ड्रेस है ये भी, और गर्मियों में ऐसे भी लूज ड्रेसेस अच्छे लगते हैं। अच्छा, थर्ड ड्रेस जो है ये है खाड़ी का ड्रेस, खाड़ी का ब्लॉक प्रिंट का ये ड्रेस है, आप देख सकते हैं इस तरह से इसके ऊपर ब्लॉक प्रिंट आया है गोल्डन कलर का, और इस तरह से इसकी नेक लाइन बनी हुई है, और नेक लाइन पे बटन्स दिए गए हैं, नेक इस तरह की इसकी भी बनाई हुई है, और आलमोस्ट 3/4 के जितने इसके स्लीव्स भी हैं, और इसके साथ ना इन्होंने
फ्रंट पॉकेट स्टाइल में दिया हुआ है। पॉकेट स्टाइल शर्ट्स जो है ना वो भी काफ़ी इन हैं, तो इस तरह से इसके ना बोथ साइड्स पे पॉकेट्स दी गई हैं शर्ट के। और बहुत ज़्यादा जो है ना इसका बड़ा अच्छा सा फैब्रिक था, ब्लॉक प्रिंट भी इसका काफ़ी अच्छा था, मतलब जो लोकल ब्लॉक प्रिंट्स हैं वो उतर जाते हैं लेकिन ये ब्लॉक प्रिंट नहीं उतरता। और बहुत ही सिंपल वे में ये स्टिच की हुई है। इसके साथ भी इसके सेम ट्राउज़र था, क्वाड सेट का है ये, बिल्कुल सिंपल से ट्राउज़र इसके साथ स्टिच किया हुआ है, तो ये बहुत आसानी से आप घर में बना सकते हैं। क्वाड सेट का जो है आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप कोई भी टू पीस कपड़ा लेके आप आराम से इस तरह का ट्राउज़र भी स्टिच कर सकते हैं, और ये नेकलाइन बनाना भी कोई मुश्किल नहीं है। इसके साथ ये दुपट्टा था मेरे पास, इस तरह से इसके ऊपर बीड्स लगे हुए हैं, तो जो इसका गोल्ड प्रिंट था उसके साथ मैचिंग में मैंने इसके साथ दुपट्टा लिया है। और ये ड्रेस मैंने आपके साथ शो भी किया था, मैंने छोटी ईद पे इसको वेयर किया था। तो इस तरह से सिंपल से आप जो है ना घर में अपने ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कोई हाई फाई डिज़ाइनिंग नहीं हुई हुई है इसके ऊपर, और एलिगेंट सा ड्रेस आप घर में बना सकते हैं और अच्छे से जो है ना आप उसको मैनेज करके वेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे ये लुक थी जी इस ड्रेस की, और बहुत ज़्यादा इसकी ना अच्छी लुक है, मतलब सुबर सी लुक है। अच्छा, उसके बाद ये खाड़ी का ड्रेस था जो कि मैंने टेलर से स्टिच करवाया था, इसकी स्टिचिंग बहुत स्पेशल है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये थ्री पीस ड्रेस मैंने लिया था खाड़ी से, और ये लॉन विद शिफॉन दुपट्टा है। इसके दुपट्टे की भी सारी डिज़ाइनिंग मैंने आपके साथ शो की हुई है, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। बहुत प्यारे से मैंने दुपट्टे के साथ टसल्स लगाए थे, और अब यहाँ पे देख सकते हैं आपके मैं इसके, पहले तो मैं आपको मॉडल पिक्चर दिखा रही हूँ, इसके बाद मैं आपको इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग दिखाती हूँ। तो ये है जिसकी शर्ट, और शर्ट में फ्लोरल है डिज़ाइन पिंक और ब्लू का, तो मैंने पिंक कलर के इसके ऊपर लगवाए हैं बटन्स, क्योंकि ब्लू में मुझे मिले नहीं थे और बनवाने का मेरे पास टाइम नहीं था। ये ड्रेस भी मैंने ईद पे स्टिच करवाया था, और इस तरह से ना बटन्स दिए गए हैं जिस तरह से आजकल ट्रेंड में है, इसी तरह से स्लीव्स पे भी दिए गए हैं। कुछ बटन्स फ्रंट के ओपन होते हैं और कुछ जो है ना नहीं ओपन होते। उसके बाद ये पैचेस दिए गए थे सूट के साथ, जो कि एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस थे स्लीव्स के, और उसके अलावा बॉर्डर के भी। अच्छा, मुझे नेक पे ना एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं बिल्कुल वेयर नहीं कर सकती हूँ। मेरे जितने ड्रेसेस नेक एम्ब्रॉयडर्ड वाले हैं वो सारे ड्रेसेस एज इट इज़ रखे हुए हैं, मैं उनको पहन नहीं सकती, बहुत गर्मी लगती है मुझे, तो इसलिए मुझे ये बॉर्डर्स की एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसके फ्रंट बैक दोनों बॉर्डर्स के साथ एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस दिए हुए थे, इस तरह से पाइपिंग लगवा के मैंने इसको स्टिच करवाया था, नेक लाइन इस तरह की बनाई है, तो बहुत ही एलिगेंट सी इसकी लुक बन गई है। और लॉन्ग शर्ट मैंने इसकी बनवाई थी थोड़ी सी लूज स्टाइल में, उसके साथ साथ मैंने इसका ये ट्राउज़र इस तरह से डिज़ाइन करा था, इस कलर का इसका ट्राउज़र था। और ये देखिए, ये इसके साथ ना इस तरह से लेस लगवाई थी मैंने, लेस जो थी ना वो डिफरेंट कलर की मुझे मिली नहीं, मतलब सेम मैचिंग में ब्लू कलर में की मुझे चाहिए थी, तो ब्लू कलर में मुझे इतना अच्छा डिज़ाइन मिला नहीं, तो मैंने सेम कलर में इसके साथ लगवाई है, और साथ प्लेट्स के साथ इसका डिज़ाइन बनवाया है। और दुपट्टा है जी ये शिफॉन का, इसका बहुत प्यारा सा इसका दुपट्टा है क्रश शिफॉन का, और इसके साथ मैंने लगाए थे टसल्स, और साथ मैंने कॉर्नर्स पे सारी ना डार्क ब्लू कलर की पिको करवा ली है, और डार्क ब्लू कलर की मैंने इसके साथ टसल लगाए हैं। पिंक भी वैसे इसके साथ लग सकते थे लेकिन ब्लू ज़्यादा प्रोमिनेंट थे, तो ये वाले टसल्स मैंने इसके साथ लगाए हैं, बहुत प्यारे लगते हैं ये। एक दूसरा हैवी हैं तो इसकी वजह से ना दुपट्टे में ना थोड़ी सी फॉल आ जाती है। तो ये थी जी समर डिज़ाइन आइडियाज़ की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।